और ओडिशा को आज बारिश से कुछ राहत के आसार हैं, लेकिन पिछले दिनों हुई बारिश से बाढ़ का संकट बना हुआ है। राज्य में करीब 500 गांवों के 4 लाख लोग बाढ़ का कहर झेलने को मजबूर हैं। इसमें से बड़ी संख्या में लोग राहत कैंपों में रह रहे हैं। ओडिशा के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं, जिससे इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। महानदी में बाढ़ की वजह से इसके आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। ये तस्वीरें जगत सिंहपुर जिले की हैं। देखिए किस तरह से लोग अपना घर बार छोड़कर राहत कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। राहत और बचाव दल इनकी मदद में जुटा है। राज्य सरकार की ओर से चल रहे कैंपों में मिलने वाले भोजन से ही इनका पेट भर रहा है। तो 5 दिन 6 दिन हो गया बारिश के बाद बाढ़ आया था, उसके बाद घर पे पानी है, उस रास्ते से आंठू तक पानी था और बारिश में भीग कर घर पे कोई रह नहीं पाते हैं, तो रोड पे आ जाते हैं। जगत सिंहपुर और पुरी जिलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर है। वहीं केंद्रपाड़ा का भी करीब 40% इलाका महानदी की बाढ़ की चपेट में है। ODRF की टीमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही हैं। जगह जगह पर मेडिकल कैंप भी लगे हैं और जरूरतमंदों को मदद मुहैया कराई जा रही है। मोबाइल हेल्प टीम, दोनों टीम इसको कवर कर रहे हैं। इस मोबाइल हेल्प टीम के अंदर हम ये लोग आते हैं। अन्य प्रभावित अंचल में जो लोग शेल्टर में है उसके स्वास्थ्य अवस्था पूछ के उसको दवाई दे रहे हैं।